हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट वेव। फ्रेंड्स, आप सभी ने टैक्सेस बहुत सारे सुने होंगे, भूमि टैक्स, अनाज टैक्स, वहीं जजिया टैक्स। आज मैं आप सभी को एक ऐसे टैक्स के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उस वक्त के लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस वक्त इस टैक्स को इम्पोज किया गया, यह सोचकर भी गिल्ट फील कर सकते हैं आप। और यह टैक्स कौन सा है? तो यह टैक्स था ब्रेस्ट टैक्स, यानी कि अस्तनों के ऊपर लिए जाने वाला टैक्स। अब इस टैक्स को कहां लिया जाता है? त्रावणकोर किंगडम में। इंडिया जब आजाद हुआ, उससे पहले इंडिया राजाओं महाराजाओं का देश हुआ करता था, और वहीं पर त्रावणकोर किंगडम में इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है, जिसे आज आप केरल के नाम से जानते हैं। ये केरल है और इसे पहले त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। और इस त्रावणकोर किंगडम की स्थापना किसने की? मारथंड वर्मा ने। मारथंड वर्मा ने इस त्रावणकोर किंगडम की स्थापना की 1729 में। और आप सभी को यह भी पता है कि आजाद होने के बाद इंडिया के जो भी ऐसे राजाओं महाराजाओं के देश थे जो नहीं मिलना चाहते थे, उन सभी को मिला लिया जाता है इंडिया में। और इंडिया क्या बनता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट यही कहता है। तो बात करते हैं हम त्रावणकोर किंगडम की। अब त्रावणकोर किंगडम में मारथंड वर्मा जिन्होंने इसकी स्थापना की, उस वक्त क्या होता था कि जातियों के बारे में भी आप जानते हैं कि ऊंची जातियां और नीची जातियां। तो वहां पर दो ऐसी जातियां थी, एक थी एजवा कम्युनिटी और दूसरी थी नाडर जाति। अब एजवा कम्युनिटी और नाडर जाति पर जितनी भी छोटी जातियां और भी थी, तो उनके ऊपर क्या इम्पोज किया जाता है? ब्रेस्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने बॉडी के कमर से नीचे के पोर्शंस को आप ढक सकते हैं। अगर आपको ऊपर के पोर्शंस को ढकना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप ऊपर के पोर्शंस को ढक नहीं सकते हैं। तो यही थी ब्रेस्ट टैक्स। अब यहां पर आता है स्टोरी ऑफ नांगेली। स्टोरी ऑफ नांगेली में क्या था कि नांगेली एक एजवा कम्युनिटी की फीमेल थी और नांगेली को यह चीजें पसंद नहीं आई, टैक्स पसंद नहीं आया देना। तो नांगेली ने इससे बगावत शुरू करी। और वो उन्होंने क्या किया नांगेली ने अपने ऊपर के पोर्शंस को, ब्रेस्ट को ढकना शुरू कर दिया। और यह बात ऊंची जाति के लोगों को रास नहीं आई। तो क्या होता है कि नांगेली जब ढक के बाहर आती जाती है तो लोगों ने उसको देखना शुरू किया, और धीरे धीरे यह बात ऊंची जाति तक फैलती है, ऊंची जाति के लोगों तक फैलती है, राजा तक पहुंचती है। तो उनको क्या मन में आता है कि यह लड़की नांगेली जो है फीमेल, वह हमसे बगावत कर रही है। छोटी जाति के लोग अब ऊंची जाति के लोगों से क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि राजा जो होता है वह टैक्स लेने के लिए नांगेली के घर भेजते हैं। अब टैक्स लेने के लिए टैक्स ऑफिसर नांगेली के घर जाते हैं, नांगेली के दरवाजे पर आवाज लगाई। अब नांगेली बाहर आती है तो उससे क्या मांगा जाता है? टैक्स मांगा जाता है कि आप ब्रेस्ट को ढक रही हैं तो आपको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। नांगेली इसको मना करती है टैक्स को देने से। तो वहां पर क्या होता है कि जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वह उसके साथ जाति सूचक शब्द बोलते हैं, गालियां भी देते हैं। तो धीरे धीरे काफी सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद नांगेली क्या करती है, अपने कमरे के अंदर जाती है, और जाने के बाद वह क्या करती है कि अपने एक ब्रेस्ट को वो काट कर, केले के पत्ते पर रिवाज होता था टैक्स देने का, तो उसके ऊपर रख के वह उनको टैक्स ऑफिसर्स को देती है। यह देखकर सभी चकरा जाते हैं कि यार यह क्या हो गया। और उसी के थोड़े ही क्षण बाद नांगेली की डेथ हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो वहां से क्या होता है कि एक समाज में आंदोलन शुरू हो जाता है, लोग बगावत करना शुरू करते हैं कि यह टैक्स जो है गलत है, यह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नांगेली की यह कुर्बानी रंग लाती है और धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंचती है। और उसके बाद इस टैक्स को एजवा कम्युनिटी से हटा दिया जाता है। और आज भी नांगेली को त्रावणकोर में पूजा जाता है,
त्रावणकोर किंगडम के जो एजवा कम्युनिटी के लोग थे उनके द्वारा, बाद में इस टैक्स को जो नाडर कम्युनिटी थी वहां भी लिया जाता था नाडर कम्युनिटी से। तो नाडर कम्युनिटी के लोगों ने भी देखा कि भाई एजवा कम्युनिटी के लोगों से जब टैक्स जो लगाया गया था उसको हटा दिया जाता है उस टैक्स को, तो हमारे ऊपर से भी इस टैक्स को हटाया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे वहां भी आंदोलन होते हैं, बट आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति होती है इंडिया में। अब 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है इंडिया का जो भी कंपनी का साम्राज्य था, उस कंपनी को कौन अपने अंडर ले लेता है, ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन के लेने के बाद 1859 में, किसमें 1859 में नाडर कम्युनिटी से भी इस टैक्स को हटा दिया जाता है, और एजवा कम्युनिटी से कब हटाया जाता है 1803 में। तो आप देखिए कितना लंबा अरसा था, 1729 से टैक्स लिया गया 1859 तक नाडर कम्युनिटी से, और एजवा से 1803 तक। तो वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी आप सोचिए, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था नीची जाति के लोगों के साथ ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। तो यह उस वक्त की मानसिक स्थिति थी लोगों की, और इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ब्रेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग भी टैक्स लिया जाता था, अगर ब्रेस्ट बड़े हैं तो आप ज्यादा टैक्स, छोटे हैं तो कम टैक्स। तो यह एक बहुत ही गलत नियम था, बट वहां पर नांगेली की कुर्बानी रंग लाती है और उसके बाद टैक्स जो इम्पोज किया जाता है उसको हटा दिया जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि बिना आंदोलन के कुछ भी हासिल नहीं होता, कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और कुर्बानियों के बाद ही खुशी के कुछ पल आपको देखने को मिलते हैं। और यह नांगेली की स्टोरी थी जिसने अपनी कुर्बानी देकर हजारों लाखों महिलाओं की जान बचाती है, इस टैक्स को हटाती है। और इसी के बाद इस दुर्व्यवहार के कारण ही गाइस आप सभी देखते होंगे कि इंडियंस लोग किस धर्म को अपनाने लग गए थे, कैथोलिक धर्म को, यानी कि क्रिश्चियनिटी को लोग अपनाने लग गए थे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अपनाने की वजह क्या थी कि वहां पर जो ये टैक्स थे ये हट जाते थे, ये टैक्स हट जाया करते थे, क्योंकि वहां पर सभी को बराबरी का अधिकार है, वहां पर ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। बट फाइनली 1859 में नाडर कम्युनिटी से और 1803 में एजवा कम्युनिटी से हटा दिया जाता है इस टैक्स को, और कहते हैं कि गांव में इस टैक्स को हटने में और भी समय लग गया, 1900 का भी समय पार हो जाता है, यानी 20वीं शताब्दी में उस टैक्स को हटाया जाता है गांवों से। तो यह थी स्टोरी ऑफ नांगेली गाइस, और महिलाओं पर दुर्व्यवहार कितना था यह आपने खुद देखा है। तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि आंदोलन एक रास्ता होता है जिससे गलत चीजों को हटाया जा सकता है, और बिना कुर्बानी कुछ नहीं होता। आप भी आज स्टडी करते हैं तो बिना कुर्बानी दिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको कुछ भी बनना है तो आपने मेहनत करना है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अपनी इच्छाओं को खत्म करके भी आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको कुछ अच्छा करना है। तो बिना कुर्बानी कुछ भी नहीं है गाइस। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही कुछ फैक्ट्स जानना चाहते हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।